Hello everyone, this is Roshif and you are watching UI Developer Code. Visual Studio Code, most favorite code editor. अगर आप अभी भी Sublime, Atom या मेरे कुछ friends Dreamweaver use कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. According to Stack Overflow Survey, Visual Studio Code पिछले 3 सालों से most popular development environments में top पर बना हुआ है. तो ऐसा क्या खास है विजुअल स्टूडियो कोड में कि ये इतना ग्रो कर रहा है, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे. और मैंने आपके लिए टॉप 5 एक्सटेंशंस को चूज़ किया है जिनकी जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं कोड करते हुए. आप भी उन एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हो और अपनी कोडिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हो और डेफिनेटली आपकी कोडिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है. जैसे सब कोड एडिटर होते हैं, यहाँ पर फाइल्स होती हैं, यहाँ पर वर्क स्पेस होता है, HTML की फाइल, CSS की फाइल है. तो सबसे पहले मैं एक फाइल ले लेता हूँ और एक HTML की फाइल ले लेता हूँ, home.html. यहाँ पर एक्सक्लेमेशन टाइप करता हूँ और टैब दबाता हूँ. ये देखिए पूरा कोड आ गया, इसलिए इतना फास्ट है ये. मैंने टैप किया और ये आ गया. अब अगर मुझे यहाँ पर स्टाइल ऐड करनी है तो मैं सिर्फ लिखूँगा लिंक और टैप कर दूँगा. ये देखिए पूरा कोड आ गया. यहाँ पर मैं CSS कुछ भी ऐड कर सकता हूँ. अब मैं एक सिंपली क्लास लेता हूँ कंटेनर और सिंपली टैब दबाता हूँ. ये देखिए सिर्फ मैंने क्लास का नाम लिखा और यहाँ पर पूरी डिप बन के आ गई है. मैं लेता हूँ रैपर और सिंपली टैब करता हूँ. यहाँ पर मुझे Sublime की तरह कोई भी MIT या कुछ इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्री डिफाइन होता है. और मैं अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आप अपनी कोडिंग स्पीड को कितने ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो. मैंने सिंपली वेल लिया ग्रेटर देन li और जितने LI ने स्टार लगा के सिर्फ दबा दिया और सिंपली टैब दबाया. ये देखिए तो आप अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकते हो. ऐसे ही अगर मैं CSS की बात करता हूँ, मैं CSS पे जाता हूँ, CSS पे मैं ले लेता हूँ क्लास. अब मुझे बैकग्राउंड कलर लेना है, सिंपली मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर. देखिए सिर्फ मैंने BSC को लगाया और ये आ गया. मैंने सिंपल टैप किया बॉर्डर, ये टैप किया बॉर्डर रेडियस आ गया. अगर मुझे चाहिए मार्जिन तो मैंने मार्जिन टी टैप किया तो मार्जिन नाइट आ गया. तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है. आप फास्ट काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्प से अपनी कोडिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं. तो गाइज, अब हम चलते हैं एक्सटेंशंस की तरफ जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हो रहा है VS कोड का. जैसे कि एंड्रॉयड या iOS को आप देखते होंगे कि वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कोई भी मोबाइल ऐप ईजिली मिल जाती है. बहुत अच्छी वैरायटी में गेम्स और कोई भी ऐप हम चूज़ कर सकते हैं. सेम वैसे ही VS कोड में भी हम किसी भी टाइप की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें HTML, CSS, JavaScript, Angular किसी से भी रिलेटेड ऐप मिल जाती है और हम अपनी कोडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो हमारी सबसे पहली एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग. ऑटो रीनेम टैग कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं. यहाँ से सिंपली आपको क्लिक करके जाना है और एक्सटेंशन पर आ जाना है, एक्सटेंशन मार्केट प्लेस पर. तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. ये ऐसा दिखेगा टैग, इसका डिफाइन ऐसा दिखता है. तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. इंस्टॉल करने के बाद हम अपने पेज पर आते हैं. तो ऑटो रीनेम टैग क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने p टैग में लिख दिया. अब मुझे क्या करना है, p टैग को चेंज करना है. तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा, p टैग को चेंज करके हेड h1 कर दूँगा. तो ये देखिए मुझे दोनों पेयर्स में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी. मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और दोनों तरफ से ये चेंज हो जाएगा. अगर मुझे अब इसको लिखना है h5 तो ये यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा. अब जैसे मुझे यहाँ दिखाता हूँ, जैसे मुझे इसको एक सेक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा सेक्शन. और नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होता है जहाँ पर हमारे पास बहुत लंबा पेज होता है और हमें पता नहीं होता है डिप कहाँ बंद होने वाली है. तो हम सिंपली एक टैग को चेंज करेंगे और नीचे वाला टैग अपने आप चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे देखें आप, ऐसे चेंज हो जाएगा. तो ये बहुत हेल्पफुल है. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड एक्सटेंशन, ब्रैकेट पेयर कलराइजर. टाइप करते हैं ब्रैकेट पेयर, ये फर्स्ट वाली. तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं. ये मैंने पहले से इंस्टॉल है तो मैं आपको दिखाता हूँ अब मेरा ये कितनी हेल्पफुल है.
मैं अपने कोड में यही यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं डिप को जहाँ पे क्लोज हो रही है डिप, इसके लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया हुआ है। इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये डिप कहाँ पर क्लोज़ हो रही है, इसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। कई बार पता नहीं लग पाता कि डिप क्लोज़ कहाँ पर हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया हुआ है इसको हाईलाइट करने के लिए। आप इसके लिए कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाइए, सेटिंग में जाइए और यहाँ पर सारी एक्सटेंशन आ रही हैं, तो मैं लेता हूँ ब्रैकेट पेयर वाली पे। यहाँ पर आप करेंगे एडिटिंग सेटिंग जेस, तो यहाँ पे मैंने ये येलो कलर लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ब्लू कर देंगे, उसको सेव करेंगे, अपने कोड में जाएंगे, देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, इससे बिल्कुल हाईलाइटेड, ये बिल्कुल हाईलाइट हो जाती है कि कौन सी टिप कहाँ पे ओपन हो रही है और कहाँ पे क्लोज हो रही है। गाइस अब मूव करते हैं थर्ड एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नाम है सीएसएस पीक। ये भी मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है, आप सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको कि सीएसएस पीक कैसे वर्क करती है। जैसे ही मैं कार्ड रैपर के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो अभी ये नहीं चलेगा, पर अगर मैं कमांड या कंट्रोल दबाऊंगा और फिर माउस ओवर करूंगा तो ये सीएसएस का एक पॉपअप दिखा देता है, उससे रिलेटेड जो सीएसएस हमने अप्लाई की हुई है वो हमें शो हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट वहाँ पर लैंड कर जाएगी जहाँ पर ये सीएसएस लिखी हुई है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा सीएसएस लिखी होती है, हम सिंपली एचटीएमएल में जाएंगे और इस पर कमांड या कंट्रोल दबाकर होवर करेंगे और हमें डायरेक्ट वहाँ पर उस सीएसएस पर ले जाएगी, तो उससे हमारा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। सो गाइज अब चलते हैं फोर्थ एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नाम है प्रीटियर। सिंपली आप टाइप कीजिए प्रीटियर, ये पहले बार आ गई, ये मेरे पहले से इंस्टॉल है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं अपने कोड में आता हूँ और यहाँ पर ऐसे इंडेंट खराब कर देता हूँ उसका, एक की टैग लेता हूँ, इसको भी काफ़ी खराब करता हूँ और सिंपली सेव करता हूँ। ये देखिए मैंने सिंपली सेव किया और सेव करने पर इसने इसका इंडेंट बिल्कुल ठीक कर दिया, तो ये बहुत यहाँ पर बहुत यूज़फुल होने वाली है। सिंपली जो बिगनर्स होते हैं वो इंडेंट पे इतना ध्यान नहीं देते, इंडेंट बड़ा ख़राब करके रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, CSS में भी बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। CSS में अगर मैं ब्रैकेट ख़राब कर देता हूँ, आगे पीछे कर देता हूँ, यहाँ पर इसको स्पेस दे देता हूँ और मैं सिंपली सेव करता हूँ, तो देखिए बिल्कुल फॉर्मेट, बिल्कुल इसने बिल्कुल इसका CSS का फॉर्मेट बिल्कुल सही कर दिया है। तो ये भी बहुत यूज़फुल एक्सटेंशन है। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये वाली है, फर्स्ट वाली, इसका आइकन ऐसा रहा है वाईफाई जैसा आइकन आ रहा है, तो हम इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। कहता हूँ लाइव सर्वर कैसे वर्क करती है। मैं सिंपली एचटीएमएल पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली लाइव सर्वर हमारे रिफ्रेश पे काम करती है, सेव पर काम करती है। जैसे मैं यहाँ पर कोई आइटम सेव करूँगा बिना, तो डायरेक्टली ये उधर अपने आप लोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बार बार यहाँ पर रिफ़्रेश करना पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ सिंपली मैं एक H1 ले लेता हूँ, हेलो, उसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे आप, अब ये अपने आप लोड हो रहा है और हेलो आ गया। अब मैं इसका कलर अगर चाहूँ, अगर मैं इसका कलर चेंज करना है, मैं सिंपली H1 का कलर रेड कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली रेड हो गया। तो ये भी बहुत यूज़फुल है, हमें बार बार यहाँ पर ही जाके रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम सिंपली यहाँ से सेव करेंगे और ये उधर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ब्लू हो गया है। तो गाइज़ मैंने आपके लिए टॉप 5 एक्सटेंशंस को जो चूज़ किया है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आई हैव वन मोर एक्सटेंशन, अगर आप सेस यूज़र हैं तो उसके लिए सिंपली आपको टाइप करना है सेस लाइव कंपाइलर, एक्चुअली लाइव सेस कंपाइलर, लाइव सेस कंपाइलर, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक सेस की फाइल क्रिएट करता हूँ, live.sc, यहाँ पर टाइप करता हूँ बॉडी,
अब आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर वैसा वॉच सेस आ रहा है। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक सेम नाम से मुझे CSS की फाइल क्रिएट करके दे दी। ये देखिए आप सिंपली CSS फाइल को कहीं भी इंक्लूड करके सेस का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं आप उसको सबसे पहले देख सकें।